मोदी बोले भाजपा की आंधी में कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। राहुल के मेड इन चाइना वाले बयान पर कहा, मूर्खों के सरदार किस दुनिया में रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शाजापुर की चुनावी सभा में कहा, भाजपा की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। दिल्ली में बैठकर चुनाव का हिसाब लगाने वाले पॉलिटिकल मेहरबान इसका आकलन नहीं कर पाए हैं। इससे पहले पीएम ने बैतूल में राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार किस दुनिया में रहते हैं लोग। कांग्रेस नेताओं को देश की उपलब्धियां न देखने की बीमारी हो गई है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का सबसे बड़ा निर्माता है। राहुल गांधी ने सोमवार को हरदा की चुनावी सभा में कहा था, मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए जब चीन में कोई मोबाइल खोले और पीछे लिखा देखे मेड इन मध्य प्रदेश। वो सोचे कि मध्य प्रदेश कहाँ है जिसने हमारी नौकरियाँ ले ली। शाजापुर में पीएम के भाषण की तीन बड़ी बातें, महाज्ञानी की सोच ने देश को तबाह किया। ये महाज्ञानी कहते हैं कि आपको अपनी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, इसी सोच ने इस देश को तबाह किया। हमने तय किया है कि गरीब से गरीब बच्चा भी अंग्रेजी आती हो या नहीं आती हो, वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। जब मौका था कांग्रेस घोटालों में व्यस्त रही। कांग्रेस वाले आज झूठे वादे कर रहे हैं, जब मौका था तो घोटालों भाई भतीजावाद में व्यस्त थे। किसानों नौजवानों महिलाओं की दुश्मन है। जहाँ जहाँ कांग्रेस आई तबाही लाई। इसलिए मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। कांग्रेस के स्वभाव में तुष्टिकरण, दंगे, फसाद। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टिकरण, गुंडागर्दी, दंगे, फसाद, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नीयत है। बैतूल में पीएम के भाषण की तीन बड़ी बातें, कांग्रेस ने हार मानी, खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ा। आज पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वादे एक पल भी टिक नहीं सकते। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस को डर कहीं मोदी लॉकर न खोल दे। कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार के पाप इतने हैं कि चिंता रहती है कि मोदी कहीं लॉकर खोल देगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हार तय देख बौखला कर कर्मचारियों अधिकारियों को धमका रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं। एमपी में 3 दिसंबर के बाद भी भाजपा सरकार है। मोदी नर्मदा का पानी पीकर बड़ा हुआ है। कांग्रेस वाले राम मंदिर निर्माण की तारीखें पूछा करते थे। इन्हें पता नहीं कि मोदी किस मिट्टी का बना है। मोदी नर्मदा का पानी पीकर बड़ा हुआ है। कांग्रेस ने पिछली बार कर्ज माफी का वादा कर सरकार बनाई, 1.5 साल बाद तक वादा पूरा नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और आदिवासियों को जोड़ने की कोशिश की। राजस्थान में सिर तन से जुदा के नारे लगाने का जिक्र कर मध्य प्रदेश को कांग्रेस से बचाने को कहा। उन्होंने कहा, कांग्रेस सोने का महल बनाने का वादा करती है, बाद में कहेंगे कि आलू से सोना निकालेंगे, फिर बनाएंगे। बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहकर गर्व का एहसास कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।